हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आ चुके हैं आज हम अपनी गाड़ी ले गए फिर से और गेम प्ले ले गए बर्नआउट का, जो काफ़ी ज़्यादा दमदार और मज़ेदार। और यहाँ पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, लेकिन पलट गई गाड़ी और हम रास्ते से भटक गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी डीट है, हम भी मानेंगे नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आज, अपना मूड है गाड़ी दौड़ाने का और इधर उधर ऊपर चढ़ाने का। देखते हैं, यहाँ पे चढ़ा के रहेंगे जब तक मन नहीं भरता। कोई बात नहीं, पलट जाएगी तो पलट जाए। ये बात तेरी, तो घूम के गिर गई यहीं फिर से गलत। अरे यार छोड़, मूड ही ख़राब हो गया। अब तो सीधे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंप सीधी लगेगी नहीं। लगेगी भी तो फिर से वो रुकने की वजह से। ये क्या यार, मुझे लगा यहाँ पे वो होगा जैसे वहाँ पे ऊपर चढ़ने वाला था, पर यहाँ पे तो यार कोई बात नहीं। गाड़ी ठुकते ही अपना बूस्ट भी कम हो जाता है। ये गाड़ियाँ अच्छा वही था क्या, मुझे लगा गाड़ी आ रही है। ये जो है यहाँ पे रेसिंग रूट है यहाँ पे। ये गाड़ियाँ पता नहीं क्यों बीच में आती है। ये बात, ये लगे जब बढ़िया वाली, मज़ा ही आ गया, पूरा दिल खुश हो गया। बच गए, अगर यहाँ पे टक्कर लग जाती ना, जंप फेल हो जाती। इतनी बढ़िया जंप लगी थी और वो भी फेल हो जाती। ये गाड़ियाँ आगे से पूरी तेज़ आ रही हैं, या फिर मुझे लग रहा है हमारी स्पीड तेज़ है इसलिए वो सामने वाली तेज़ लग रही है गाड़ी। लेकिन अगर गाड़ी ठुक गई ना किसी में, तो ठुकते ही चूरा चूरा हो जाएगी। अपनी गाड़ी तो होगी, सामने वाली की भी हो जाएगी। हे बात है यार, थोड़ी सी साइड लगे, गाड़ी का क्या चूरा चूरा निकल गया। और गाड़ी चूरा चूरा होने के साथ साइड में भी टकरा गई। यार ये तो पता नहीं क्या, आंखें बंद करके चला रहे हैं क्या। मानना हम चला रहे हैं तेज, तो तुम्हें तो आराम से चलानी चाहिए ना। कोई बात नहीं, आकर रूट ले लेते हैं यहाँ पे, रोड रेज है तो। नहीं रोड रेज नहीं खेलेंगे, बाद में खेलेंगे रोड रेज, पहले कोई और रेस देखेंगे। और रेस जीतना, जीते ना जीते कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आना चाहिए वीडियो में। यहाँ पे नहीं है था क्या यार, वो गाड़ी मिली तो थी अपने को एक, यहाँ पे खड़ी कर देगा हम भी गाड़ी। खैर खड़ी करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अपनी गाड़ी मिले ना मिले, इनकी गाड़ी हमने ज़रूर शीशे तोड़ दिए, खर्चा आ जाएगा बेचारों का बिना बात के। इसे कहते हैं खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर मार देना। गाड़ी तो दमदार लग रही, लेकिन खचाड़ा हुई पड़ी है यार, क्योंकि अपने को मिली तो है ना। इसकी मुझे लग रहा है स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जो है इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ कम है। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो मिली है यार, बूस्ट भी सही है इसकी, स्पीड भी ठीक ठाक है। तो गाड़ी तो मिल गई अपने को, स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही, हो गई स्टार्ट। मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से इसका हाल हुआ पड़ा है ना, स्टार्ट ही नहीं होगी। इस गाड़ी का बैलेंस सही नहीं है, स्पीड तो ज़्यादा है लेकिन इसका बैलेंसिंग सही नहीं है। इसकी बैलेंस जल्दी बिगड़ जाएगा अगर स्पीड। यह गाड़ी तो पूरी फास्ट है, इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं ऑटो रिपेयर से। और कार हो चुकी है फिक्स, क्या मक्खन लग रही है। लेकिन हम इसका मक्खन का भी ना, मुझे लगता है हम इसकी हालत ख़राब कर देंगे। और ये जो रेस हमने शुरू की है ना मैड मैन, यहाँ पर जो है हमें रेस पूरी करनी है अपनी गाड़ी को बिना टूटे फूटे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये गाड़ी जिस हिसाब की है कि बिना टूटे फूटे वहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि जितनी भी गाड़ी अब हमें ठोकते हुए जाएंगी और हमारी गाड़ी का कचाड़ा बना देंगी। और ये गाड़ी तो वैसे इसको ज़रा सी टक्कर लगे तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी अगर मिस हुई ना, गाड़ी इधर उधर ठुक जाएगी। और इसीलिए जो है ना, हमें हो गई है कि हम गए हैं, क्या बात है, अपनी भी गई उसको
साइड मारने के चक्कर में अपनी गाड़ी भी ठुक गई यार। गाड़ी का खचाड़ा बना देंगे। अरे यार इधर से निकलने के चक्कर में, उसको ध्यान देने के चक्कर में अपनी गाड़ी ठुक गई। ये देखो बिल्कुल साइड में चल रहा था मैं, और साइड में चलते चलते भी टक्कर मार के जा रहा है। इस रेस में यही तो है। अरे यार रेस में बात करने के चक्कर में गाड़ी की तो हालत खराब हो गई, बिल्कुल ही पतरा हो गया यार गाड़ी का, और क्रिटिकल डैमेज आ चुकी है। ऑटो शॉप में जाना पड़ेगा, देखते हैं ऑटो शॉप पहुंचने देंगे नहीं मुझे तो। और यार ये क्या हार गए, मुझे लगा ही था यार पहुंचने ही नहीं देंगे। सामने से गाड़ी आ रही थी, पीछे से उसने जाने नहीं दिया रास्ता, और अपना हम ठुक गए। और इस गाड़ी की तो वैसे ही हालत ख़राब है कि मान लो अगर स्पीड फुल पे लें, चलो स्टंट वाला करके देखते हैं, हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन इसको रिपेयर करके जाएंगे अब की बार। कहाँ गया रिपेयर शॉप? हाँ ये रहा, रिपेयर बाद में कर लेंगे, पहले जो है ये स्टंट वाली ना करके देख लेते हैं होएगा तो ठीक, क्योंकि इस गाड़ी से मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसका एक बैलेंस ही बिगड़ जाता अपने आप ही। सुपर जंप मारने पे भी अच्छे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के टक्करें बहुत लगती हैं, इधर जरा सा बैलेंस बिगड़ता है ना तो ठुक जाती है गाड़ी। चलो स्टार्ट तो हो गई, मुझे तो लग रहा था स्टार्ट भी नहीं होगी। ठीक है यार कर तो रहे थे फिर भी नहीं मिले पॉइंट, ये तो ऐसे घुमाने पे मिल तो रहा है पॉइंट, लेकिन अरे यार इसके तो बूस्ट बढ़ाने पे ना पूरा काम खराब हो जाता है। बूस्ट बढ़ाओ तो इसकी स्पीड बिगड़ जाती है, ये तो बेकार है यार। इस गाड़ी का मज़ा नहीं आया मेरे को, क्योंकि मान लो इतनी स्पीड है तो गाड़ी बिल्कुल। अरे यार ये क्या, मुझे लगा यहाँ पे जंग होएगी बीच में से निकलने की। 1725 पॉइंट हुए हैं, मुझे तो लगता नहीं है हम जीत पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पॉइंट इतने कम कम बढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट बढ़ते हैं ना वहाँ पे बढ़ते हैं जहाँ पे जंप मारने की जगह ज़्यादा हो, जैसे वो पहाड़ी टाइप जगह ना वहाँ पे। यहाँ पे तो मुश्किल है यार पॉइंट मिलना, क्योंकि एक तो गाड़ियाँ इतनी और जगह गलियाँ भीड़ी भीड़ी हैं, और अगर स्पीड बढ़ाओ तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे यार ये स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, अरे यार कॉम्बो ओवर हो गया, और इसकी गाड़ी की तो हालत खस्ता हो गई। ये गाड़ी आ रही है कि खड़ी हुई है? रुको ये गाड़ी भी खड़ी हुई गाड़ी भी चलती हुई लगती है स्पीड में जब हम चलते हैं तो। मुझे तो लगता नहीं है जीत पाएंगे, क्योंकि 10 सेकंड पड़े हैं, लेकिन जीते या ना जीते मज़ा आना चाहिए वीडियो में, और मुझे लगता है मज़ा आया ही होगा, मुझे भी पूरा आया गाड़ी लेके निकलने में और इस तरह से चलाने में। कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, हार जीत तो चलती रहती है।